गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब में पास्ट फॉर्म, यानी कि मॉडल वर्ब में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो स्पेशली हमने चूज किया आज मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव को। तो आइए सीखते हैं क्या यूज है इसका। देखिए, बड़ा ही कंफ्यूज करता है, तो जरा ध्यान से सीखना इसे। मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव, जब भी आप किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव लगाते हैं तो आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, मे और माइट का मतलब शायद होता है और मस्ट का मतलब जरूर होता है। अब कंफ्यूजन ये होती है कि जब सेंटेंस में शायद प्लस आया होगा, गया होगा, खाया होगा ऐसे शब्द आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि आया होगा, गया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट की सेंस देता है और बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट की भी सेम पहचान यही होती है, तो वो उसे विल हैव से बना देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है अपने। ठीक है, तो अगर आपके सेंटेंस में शायद के साथ आया होगा, गया होगा, खाया होगा, पिया होगा, चुका होगा, चुकी होगी जैसे शब्द आते हैं तो आपको विल हैव यूज नहीं करना है, मे हैव या माइट हैव का यूज करना है। और अगर आपके सेंटेंस में जरूर शब्द के साथ या अवश्य शब्द के साथ आया होगा, गया होगा, खाया होगा, पिया होगा जैसे शब्द दिखाई देते हैं तो आपको मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, मे हैव, माइट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म या मस्ट हैव, वो हम देख लेंगे। अगर आपके सेंटेंस में शायद होगा तो मे माइट यूज होगा, जरूर होगा तो मस्ट यूज करना है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, शायद वह अपने गांव गया होगा। अब देखिए, ये देखने में फ्यूचर है बट एक्चुअली ये पास्ट है। कैसे? कि शायद वह अपने गांव गया होगा, जब कोई गांव जा चुका है उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं, यानी कि उसके गांव जाने का काम तो हो चुका है, तो ये फ्यूचर कैसे हो सकता है? गांव तो वो चला गया, ये तो बीत गया समय, इसलिए हम इसे पास्ट फॉर्म में लेते हैं। शायद वह अपने गांव गया होगा, ही मे हैव या ही माइट हैव दोनों का यूज कर सकते हैं आप। गॉन टू हिज विलेज, हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, ये आया होगा, गया होगा हमेशा फ्यूचर परफेक्ट नहीं होता, ये पास्ट ऑफ मॉडल भी हो सकता है। ध्यान से बनाए सेंटेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम ने ही उसे बताया होगा, यानी कि बताने का काम तो हो चुका है और राम ने ही बताया है, इसका मतलब है कि हम कंफर्म है, हम श्योर है बिल्कुल कि जरूर ये काम राम ने ही किया होगा, यहां पे कोई डाउट नहीं है शायद वाला, तो इस सेंटेंस में आपको मस्ट का यूज करना है। राम मस्ट हैव टोल्ड हिम, राम ने ही उसे बताया होगा, हमें बिल्कुल श्योरिटी है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, शायद राहुल ने सारे पाठ याद कर लिए होंगे या शायद राहुल सारे पाठ याद कर चुका होगा। एक्चुअली याद करने का काम तो हो चुका है लेकिन वो देखने में फ्यूचर जैसा लगता है। ठीक है, तो राहुल मे हैव या माइट हैव लर्नड ऑल द लेसंस, क्लियर है? मे हैव माइट हैव क्यों आया? क्योंकि शायद आया है और उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसने जरूर उसे पीटा होगा, ही मस्ट हैव बिटन हिम, मस्ट हैव मतलब जरूर यानी कि पक्का, हम ये भी कह सकते हैं उसने ही उसे पीटा होगा, ही मस्ट हैव बिटन हिम। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखना कि जो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या आया होगा, गया होगा है, हमेशा वो फ्यूचर परफेक्ट नहीं होता, वो मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव भी हो सकता है। तो आगे से जब भी आप ऐसे सेंटेंस बनाए तो ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।